हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज हम लोग सीखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक चलता फिरता शब्द है जिसका हम आए दिन अपने जीवन में यूज करते हैं। ये वर्ड सुनने के बाद आप सभी के मन में क्या ख्याल आता है? मार्केटिंग वर्ड सुनने के बाद आप सभी के मन में क्या ख्याल आता है? अगर किसी आम लोगों से पूछे मार्केटिंग क्या होता है, तो उन लोग एक ही जवाब देंगे, या फिर वो लोग का और भी अलग जवाब हो सकता है, लेकिन खासकर एक ही जवाब मिलेगा। जो व्यक्ति गंजे को भी कंघी बेच दे, या जो व्यक्ति गंजे को भी तेल बेच दे, उसे मार्केटिंग कहते हैं। और यही सवाल अगर मैं किसी स्टूडेंट से जाके पूछूं कि हाँ भाई बताओ मार्केटिंग क्या होता है, तो वो जवाब देगा मार्केटिंग सेल होता है, मार्केटिंग प्रमोशन होता है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग होता है, और भी बहुत कुछ। फिर भी हमारा सवाल अधूरा रहता है। तो चलिए ये छोड़िए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कंघी बेचते हो, तो आप किसे कंघी बेचोगे? जिन्हें कंघी की जरूरत है या जिन्हें कंघी की जरूरत नहीं है? तो आप जिन्हें कंघी की जरूरत है उन्हें बेचोगे। और अगर आपको ज्यादा कंघी बेचना है, बहुत ज्यादा यूज देना है आपको, कंघी आपको देना है, बेचना है, तो आप उन्हें भी बेच सकते हो, जिनके जो रहते तो गंजे हैं लेकिन उनके भी सर पे 4-5 बाल होते हैं, और उन्हें वो ठीक करने के लिए खरीदेंगे। तो यहां से आप कंघी उन्हें बेच सकते हो। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला आपको कहां मिलेगा, यानी लोगों की जरूरतों को आप अगर समझोगे कि लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या जरूरत है, और आप उसे पूरा कर रहे हो, तो उसे मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। कि मार्केटिंग वो होता है जो लोगों की जरूरतों को समझकर उसे पूरा करता है और उन्हें सेटिस्फाई करता है, उसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। इससे पहले आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा Mr.Sao99, और फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आप सब अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का हो, या बिजनेस कम्युनिकेशन का हो, या मैथमेटिक्स का हो, या फिनेंशियल मैनेजमेंट का हो, या फिर और भी बहुत सारे जो वीडियोस होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मार्केटिंग क्या होता है, तो पहले हम लोग मार्केट समझते हैं। मार्केट क्या होता है? मार्केट बाजार को कहते हैं। और बाजार में क्या होता है? बायर्स और सेलर एक दूसरे से मिलकर जो सामान खरीदते हैं, जो सर्विस खरीदते हैं पैसे के बदौलत, और अपने आए दिन में उनका यूज करते हैं, उसे कहते हैं मार्केट। इट कंसिस्ट विथ बायर्स एंड सेलर्स एंगेज्ड विथ नेगोशिएशन टू अराइव एंड एट एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर मार्केटिंग, अभी जैसे मैंने फिर से आपको बताया कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग से हम लोग क्या समझते हैं, तो ये देखिए उसका डेफिनेशन। इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन देयर नीड्स, वांट और डिमांड थ्रू क्रिएटिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट विथ मनी और अदर्स। यानी कि मार्केटिंग एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है, जहाँ पे लोगों के डिमांड को समझा जाता है, लोगों को क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ का जरूरत है, साबुन, तेल, नमक, पानी, किस चीज़ का जरूरत है, टूथपेस्ट, किस चीज़ का जरूरत है, उन्हें हम लोग मार्केट में लाते हैं, उसे हम लोग पब्लिक में देते हैं, वो लोग
खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को पैसे के बदले। तो ये होता है, जो व्यक्ति जो कंपनी अगर ये समझ ले कि लोगों की क्या जरूरतें हैं अभी, लोगों को क्या चाहिए, उन्हें किस चीज की अभी ज्यादा जरूरत है, और उस चीज को वो मार्केट में लाए, तो वो बहुत ही अच्छा मार्केटर बन सकता है। वो कंपनी बहुत हद तक बड़ी बन सकती है, वो कंपनी बहुत हद तक अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसे मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग कोई चूना लगाने का जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मार्केटिंग चूना लगाने का जगह है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो आदमी मार्केट के लोगों को या फिर लोगों को समझ सकता है, उनके जरूरतों को समझ सकता है, उसे हम लोग मार्केट कहते हैं। तो यो तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, जिसे हम लोग फीचर्स ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं, नेचर्स ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं, या कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं, कि मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या क्या, किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या क्या क्या मार्केटिंग में अप्लाई होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा आइडिया एंड फिलोसफी। आइडिया से हम लोग समझ सकते हैं कि आइडिया क्या होता है, आइडिया क्या होता है, फिलोसफी क्या होती है, आप लोग समझदार हो, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो दिस कॉन्सेप्ट गाइड्स मैनेजर एंड इंटेंजिबल नॉलेज विच टीचेस हाउ मार्केटिंग गोल कैन बी अचीव मोर इफेक्टिवली। आइडिया और फिलोसफी हम मैनेजर को गाइड करता है किसी कंपनी का, या फिर मार्केटर को गाइड करता है और उन्हें सिखाता है अपने नॉलेज से कि मार्केटिंग गोल कैसे अचीव करें और कितनी तीव्रता से अचीव करें अपने मार्केटिंग गोल को। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर किसी को या किसी कंपनी को अपना, किसी गंजे को कंघी बेचना है, तो वो कैसे बेचेगा, अपना गोल कैसे अचीव करेगा वो, और अगर उसे ज़्यादा ज़्यादा करके कंघी बेचना है, बहुत ज़्यादा तर यूज़ करके, तो वो कैसे बेचेगा, कहाँ बेचेगा। ये होता है आइडिया एंड फिलोसफी। उसे आइडिया लगाना होगी कहाँ पे मेरा कंघी बिकेगा, उन्हें उन कस्टमर्स को ढूंढना होगा जहाँ पे उनका कंघी जल्दी बिकेगा। फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिस कॉन्सेप्ट कंसिस्ट विथ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विथ मनी वैल्यू। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी कि आप लोग जो सामान खरीदोगे, जो सर्विस खरीदोगे पैसे के बदौलत, उसे कैसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किया जाता है। पैसे आप दोगे तो फिर आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे या फिर उस प्रोडक्ट का सर्विस खरीदोगे। जैसे कि अभी के टाइम पे ऑनलाइन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, आप उसमें टाइम लेकिन आपको रखना पड़ता है कि इतने दिन में मेरा सामान आएगा, मेरा प्रोडक्ट आएगा, तो आप पैसे लगा दिए, आप उसका वेट कर रहे हो। अब वो डिलीवरी बॉय आपका प्रोडक्ट लेके आएगा, तो वो सर्विस दे रहा है, वो कंपनी आपको सर्विस दे रहा है ऑनलाइन मार्केट में। तो ये होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विसेज। अब आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स ओनरशिप ट्रांसफर बट कंडक्टेड विद इन द लिमिट ऑफ लॉ। कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी का मालिक है उसकी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, तबीयत खराब है या फिर कहीं बाहर गया हुआ है, तो वो अपना ओनरशिप जो है, जिस कारण से वो अपने बिजनेस में नहीं आ पा रहा है, बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, तो वो अपना ओनरशिप दूसरे किसी ट्रस्टी पर्सन को दे सकता है, वो भी एक लिमिट में, कि जब वो आ जाएगा तो फिर उससे वो ओनरशिप का पद ले लिया जाएगा। तो ये था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब है कस्टमर ओरिएंटेड फिलोसफी। दिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कस्टमर। इट्स ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर एट अ प्रॉफिट। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया ऊपर में, कस्टमर के नीड को, कस्टमर्स के जरूरतों को, पब्लिक की जरूरतों को अगर आप समझ गए
और उन्हें एक सेटिस्फेक्शन दे रहे हो अपने प्रोडक्ट को भेज कर उन्हें, वो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और उससे सेटिस्फाई हो रहा है और उनको एक लाभ भी हो रहा है उस प्रोडक्ट को लेके, तो ये होता है कस्टमर ओरिएंटेड फिलोसफी, जो कस्टमर पे ही स्टार्ट होता है और कस्टमर पे ही खत्म होता है। कस्टमर चाहेगा तो लेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा। फिर आता है डायनामिक कॉम्पिटेटिव प्रोसेस। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर नीड और वांट्स एंड चेंजेस एज पर द चेंज इन कंज्यूमर एटीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट जो होता है एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट में चल जाता है, उनका नीड सेम रहेगा लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। पहले हम लोगों ने देखा था, कुछ लोगों को अभी भी देखते हैं, कुछ लोगों को अच्छे पेंस जो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं उन्हें खरीदना बहुत पसंद है और यूज एंड थ्रो पेन नहीं खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पेन खरीदते हैं कि उन्हें काम चलाना है और उन्हें दूसरे पेन पे इंटरेस्ट नहीं है। तो ये होता है डायनेमिक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। जो चीज देखने में अच्छा लग रहा है, मॉडिफिकेशन जो देखने में अच्छा स्टाइलिश है फैशनेबल है, तो उसे कस्टमर खरीदता है, तो उनका उनमें एटीट्यूड और इंटरेस्ट बढ़ता है और चेंज होता है प्रोडक्ट, लेकिन उनका नीड और डिमांड वही रहता है कि उन्हें पेन खरीदना है, लेकिन उन्हें कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग सा दिखना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए, ये होता है। फिर आता है सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स द एंटायर सोसाइटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ये कंपनी क्या होता है, कंपनी क्या चाहता है सोसाइटी में जिस अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरह, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, उस सोसाइटी में इन्वॉल्व करे, ताकि कंज्यूमर्स जो है उनके प्रोडक्ट को खरीदे, इस्तेमाल करें और उन्हें वो सेटिस्फाई करने की कोशिश भी करते हैं कि हाँ आप मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। ये होता है सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस, जो था हमारा मार्केटिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग या फीचर्स ऑफ मार्केटिंग या नेचर्स ऑफ मार्केटिंग, ये था, ये कुछ पॉइंट्स थे। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूअस इवन आफ्टर कंजम्पशन, फी या फिर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मैनेजिंग ऑफ डिमांड, टारगेट मार्केट, फोकसेस ऑन मार्केट, लॉन्ग टर्म रिलेशंस, बिल्डिंग विद कस्टमर्स, इट्स अ क्रिएटिव टास्क, सेटिस्फाइंग कस्टमर्स विथ प्रॉफिट, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो मार्केटिंग में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अब है रिसेंट ट्रेंड इन मॉडर्न मार्केट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिसेंट ट्रेंड मॉडर्न मार्केट में क्या क्या आता है आप हमें बताएं, तो रिसेंट ट्रेंड इन मॉडर्न मार्केट में अभी हम लोग के टाइम पे चल रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग से आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस कौन से मार्केटिंग का बात कर रहा हूँ, कि कहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, कहाँ से आप प्रोडक्ट मतलब बेचते हो। अभी के टाइम पे प्रोडक्ट आप बेच भी सकते हो, उस एप्लीकेशन से खरीद भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपके घर में अगर आप पिज्जा ऑर्डर देते हो तो आपके घर तक पिज्जा वाला पहुंच जाता है पिज्जा देने के लिए, तो वो आपका सर्विस है, आप उसे सर्विस दे रहे हो, ये होता है। तो हम लोग डेफिनेशन इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग हैज अंडरगोन ड्रास्टिक एंड ड्रामेटिक चेंजेस सिंस लास्ट टू डिकेड्स, बट रिसेंटली इट हैज अंडरगोइंग ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। मार्केटिंग एक ड्रास्टिक और ड्रामेटिक चेंज है जो आज से 20 साल या लास्ट टू डिकेड्स का, मतलब डिकेड्स क्या होता है 10 साल का अंतर, इससे आज से 20 साल पहले जो ट्रेमेंडस था, जो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। मार्केट पूरा चेंज कर दिया है, मार्केटिंग बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मार्केट के लोग जो मतलब पीपल्स हैं, वो लोग बिल्कुल, उन लोग का थिंकिंग, उन लोग का नीड सब चेंज हो गया है। अभी आज के टाइम पे जो कस्टमर्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गए, बहुत ही ज्यादा रैशनल हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा वो लोग चाहते हैं कि उन्हें चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट मिले, जो जिसका जिस प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो और वो ज्यादा दिन तक भी चले,
और आज के टाइम पे लोग बहुत ही रैशनल यानी प्रैक्टिकल हो गए हैं। कि अगर आप जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर 100 रुपए में आपको दो दो पैंट मिल रहे हैं, मान लीजिए अगर 100 रुपए में आपको दो पैंट मिल रहे हैं तो आप उधर जाके ले लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको 100 रुपए में दो पैंट मिल रहे हैं तो वो पीपल जाके नहीं खरीदेंगे, वो कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे। उन्हें हमेशा ये डाउट रहेगा कि हो सकता है प्रोडक्ट खराब हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा दिन ना चले, हो सकता है प्रोडक्ट का कलर खराब हो जाएगा, और भी ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये हो गया कि आज के टाइम पे कस्टमर जो हो गए बहुत ही रैशनल, बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए और बहुत ही कॉन्शियस हो गए। उन्हें अच्छा सामान चाहिए सस्ता सस्ता प्राइस पे। तो ये तो था हमारा रिसेंट ट्रेंड इन मॉडर्न मार्केट जो आज के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में देखते हैं। फिलिप कॉटलर जो है, जो मार्केटिंग के फादर कहा जाते हैं, उन्होंने कहा है, अकॉर्डिंग टू सर कॉटलर हैज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग फिलोसॉफी प्रैक्टिस, सच ट्रेंड्स आर एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है मार्केटिंग का, वो वही कंज्यूमर आज एप्लीकेबल रखते हैं, वही कंज्यूमर ढूंढते हैं। कि आज के टाइम पे जैसे विंटर का टाइम है तो आप कस्टमर तो अब आपसे विंटर का सामान ही खरीदेगा, जैसे उलन उलन क्लॉथ्स हुए, स्वेटर हुए, जैकेट हुए, वही खरीदेगा। अगर आप उन्हें समर के क्लॉथ्स बेचेंगे तो वो तो नहीं लेगा, क्योंकि वो ट्रेंड पे चल रहा है। अभी ट्रेंड है विंटर का, तो आप स्वेटर जैकेट लोगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक हेयर स्टाइल आया था जो KGF पिक्चर का जो हेयर स्टाइल है, आज कल के टाइम पे सारे सारे नौजवान जो है उसी तरह का हेयर कट रख रहे हैं, उसी उसी तरह का बियर्ड रख रहे हैं। तो ये होता है ट्रेंड के साथ चलना। तो ये होता है मार्केटिंग कि आज के टाइम पे जो है उन्हें पब्लिक वही एप्लीकेबल करेंगे, वही अप्लाई करेंगे जिस तरह से कंट्री डेवलप होता है। फिर आता है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कॉटलर। मोर इम्फेसिस इज ऑन क्वालिटी वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। मोर इम्फेसिस यानी ज्यादातर यूज करने वाला। आजकल के टाइम पे सब बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट ढूंढते हैं, और उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फैक्शन भी चाहते हैं कि मैं एक चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट खरीदूंगा और उस चीज का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा और मैं उस चीज से सेटिस्फाई हूँ। फिर आता है मोर इम्फेसिस ऑन रैशनल बिल्डिंग एंड कस्टमर रिटेंशन। फैक्ट्री होता है या फिर जो मार्केटर्स होते हैं वो लोग चाहते हैं कि कस्टमर रिटेंशन के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत दूर तक चले। आजकल के टाइम पे क्या होता है, कस्टमर्स जल्दी आज कुछ खरीद रहे हैं तो कल कुछ खरीद रहे हैं, आज यहाँ से खरीद रहे हैं कल दूसरे जगह से खरीद रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप नहीं रहता, ये टूट जाता है। तो आज के टाइम पे जो कंपनी है वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स उनसे हमेशा जुड़े रहे, उन्हें हमेशा वो लोग कभी ऑफर देकर, कभी कभी लेस डिस्काउंट देकर, वो सब अपना रिलेशनशिप इकट्ठा करते हैं, रिलेशनशिप बरकरार रखते हैं। फिर होता है मोर इम्फेसिस ऑन मैनेजिंग बिजनेस प्रोसेस एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस। आजकल के टाइम पे बिजनेस को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया, उसके प्रोसेस को, उनका इंटीग्रेटेड, उन्हें उन्हें सोचना पड़ता है कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक का क्या डिमांड है, उन्हें क्या नहीं मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो सब। फिर होता है मोर इम्फेसिस ऑन ग्लोबल थिंकिंग एंड लोकल मार्केटिंग प्लानिंग। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कस्टमर को क्या चाहिए, उन्हें लोकल मार्केट में क्या नहीं मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या मिल रहा है जो लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है, उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें क्या क्या चाहिए, ये सब होता है, ज़रूरत के चीज़ों को पूरा करना। फिर सॉरी, मोर इम्फेसिस ऑन स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड नेटवर्क।
इनका नेटवर्क भी बड़ा होना चाहिए, इन्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी का नेटवर्क बहुत दूर तक होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि उनके जो सामान है वो तुरंत तुरंत बिके, उनका स्ट्रेटेजी उन पे अप्लाई हो। फिर होता है मोर इम्फेसिस ऑन डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग, सॉरी, मोर इम्फेसिस ऑन डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल के जमाने में जैसे कि अभी ट्रेंड पे जो चल रहा है, मैंने अभी बताया ऑनलाइन मार्केटिंग, तो वो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस देते हैं, वो लोग ऑनलाइन सामान ज़्यादा बेचते हैं, ऑफर्स में, कभी कभी डिस्काउंट में, कभी कुछ ऐसा, कभी एक्सचेंज ऑफर्स में, ये सब। तो वो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा टारगेट रख रहे हैं आज के टाइम पे। फिर आता है मोर इम्फेसिस ऑन सर्विस मार्केटिंग, वो लोग आजकल के टाइम पे वो लोग ज़्यादा फोकस देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत तीव्रता से करते हैं कि मार्केट में कंज्यूमर्स को हम लोग कैसा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, ख़राब दे रहे हैं। फिर आता है मोर इम्फेसिस ऑन हाई टेक इंडस्ट्रीज। हाई टेक इंडस्ट्रीज का मतलब, कहने का मतलब है जैसे कि ऑनलाइन के लिए कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में प्रोडक्ट बेचते हैं, बहुत ही एडवांस जो होता है कंपनी, बहुत ही एडवांस होना चाहता है, अपना इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा एडवांस करना चाहता है कंपनी अपना, ताकि कस्टमर उनसे हमेशा अच्छा रिलेशन में बंधे रहे। फिर आता है मोर इम्फेसिस ऑन एस्थेटिकल मार्केटिंग बिहेवियर, उनका बिहेवियर कंज्यूमर के प्रति अच्छा होना चाहिए, मतलब हमेशा वो लोग एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बहुत ही एक रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्ट मार्केट होता है जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है, बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करता है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर करता है या कोई खराब बिहेवियर करता है। अगर आप किसी कस्टमर से आप खराब बिहेवियर करते हैं, तो अगले नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपके स्टोर पे या फिर आपके कंपनी के पास नहीं आएगा प्रोडक्ट खरीदने की, उसके मन में यही रहेगा कि मैं जब जाता हूँ तो वो जो सेलर है वो मुझसे ठीक से बिहेव नहीं करता, या फिर बायर है वो सेलर से बिहेव नहीं करता, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब होता है। फिर है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो फॉर ईच सेगमेंट एंड सब डिविजन ऑफ मार्केट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट्स इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल मार्केट प्रोग्राम। मार्केटिंग मिक्स एक सब डिविजन और सेगमेंट है मार्केट का, जो मिलकर बहुत सारा मार्केटिंग एक्टिविटीज तैयार करता है एक सिंगल मार्केटिंग प्रोग्राम पे, जो मार्केट पे फोकस देता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बेचना है और कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम पे बेचना है, ये जिसे हम लोग मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। ए सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मस्ट हैव मार्केटिंग मिक्स एज वेल एज टारगेट मार्केट। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंपनी जो है वो, इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रख के, मार्केट को ध्यान में रख के भेजता है या बेचता है वहाँ पे, कि कहाँ पे किस कौन से प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो होता है मार्केटिंग मिक्स। इसे हम लोग 4P से भी जान सकते हैं, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, 4 P से हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। ये हम लोग सीरीज में ही लिखेंगे, इसी तरह से सीरीज में ही लिखेंगे, आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हो, कि आप ऐसे नहीं लिख सकते प्रमोशन मिक्स, फिर प्राइस मिक्स, फिर प्रोडक्ट मिक्स, फिर प्लेस मिक्स, ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको सीरीज में लिखना होगा प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप सभी को, कि अगर आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, मार्केटिंग जो है, जिस तरह से फिलिप कॉटलर जी ने या फिर और भी जो मार्केटर्स हैं वो लोग बताते हैं, जिस तरह से लिखते हैं, उसी तरह से आप एग्जाम में भी लिखें, ताकि, क्योंकि अगर आप अपने तरीके से लिखने जाओगे तो आप समझाना तो सही चाहते हो लेकिन
गलत हो जाएगा, वो दूसरा सेंटेंस में चला जाएगा, दूसरा मीनिंग निकल जाएगा उसका। इसलिए जिस तरह से मार्केटर बताए रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उसी तरह से आप भी एग्जाम्स में लिखें और उसी तरह से आप भी एग्जाम्स में समझाएं और समझें। तो पहला हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट मिक्स। दिस कॉन्सेप्ट इज ए बंडल ऑफ बेनिफिट्स, इट इज अ थिंग विच प्रोसेस यूटिलिटी, इट हैव फोर कॉम्पोनेंट्स, प्रोडक्ट रेंज, ब्रांडिंग, आफ्टर सेल सर्विस और पैकेजिंग। यानी कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ये एक गांठ है बेनिफिट्स का, ये कॉन्सेप्ट एक गांठ है बेनिफिट का, जिससे आपको प्रोडक्ट का रेंज पता चलता है, उसका ब्रांडिंग पता चलता है कि कौन सा ब्रांड का है, फिर उसको आप जब बेचोगे, कंपनी जब आपको बेचता है तो आपको उसका सर्विस का पता चलता है, उसका पैकेजिंग का पता चलता है। फिर आता है प्राइस मिक्स। प्राइस इज ए वैल्यूएशन बेस्ड अपॉन ए प्रोडक्ट बाय द ऑफरर, इट हैज टू कवर प्राइसिंग, डिस्काउंट, अलाउंस, क्रेडिट टर्म्स एटसेट्रा। इट डील्स विथ फोर कॉम्पोनेंट्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंट, अलाउंस। मतलब कि प्राइस एक ऐसा वैल्यूएशन है जो प्रोडक्ट का ऑफर पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट किस तरह से ऑफर दे रहा है, कंपनी किस तरह से ऑफर दे रहा है, जो कवर करता है प्राइसिंग को, डिस्काउंट कभी मिलकर, कभी प्राइस को लेस कर देता है, कभी क्रेडिट टर्म्स में दे देता है। तो ये है प्राइस मिक्स, जिसका कुछ पॉलिसीज होता है, किसी का टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। फिर होता है प्लेस मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस इन द राइट टाइम। दिस इंक्लूड्स वेरियस चैनल्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस। प्लेस मिक्स यानी कहाँ पे आपको आपके सामान को बेचना है और किस टाइम तक आपका सामान वहां पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर ठंडा का समय है तो कंपनी आपको गर्मी का समय का कपड़ा तो लाके नहीं देगा, उसे ठंडा का कपड़ा लाना हुआ, जैसे स्वेटर हुआ, जैकेट हुआ, मफलर हुआ, हैंड ग्लव्स हुए, तो राइट टाइम पे राइट प्लेस में पहुंचाना, ये होता है प्लेस मिक्स। और वो किस किस हिसाब से पहुंचा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से, इन्वेंट्री, वेयर हाउस यानी गोडाउन को कहा जाता है, जहाँ पे अब सामान सब स्टोर किया जाता है। तो ये दो पॉइंट्स में बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिक्स, जहाँ पे होलसेलर के बाद रिटेलर के बाद एजेंट और उसके बाद फिर कस्टमर्स के पास जाता है सामान। फिर आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, जो ट्रांसपोर्टेशन में होता है, इन्वेंट्री में होता है, वेयर हाउस में होता है। फिर है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स इज ए परसुएसिव कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द ऑफर टू द प्रोस्पेक्टिव बायर। ये कस्टमर और कंपनी के बीच का कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन कंज्यूमर और कंपनी के बीच में कैसे होता है, एडवर्टाइजिंग से, पर्सनल सेलिंग से, सेल प्रमोशन से, पब्लिक रिलेशन से। एडवर्टाइजिंग जैसे रास्ता में आप जा रहे हो तो देखते हो कई बार कहीं 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 होर्डिंग लगा रहता है, तो पेपर आप पढ़ रहे हो तो पेपर में एडवर्टाइज रहता है, टीवी देख रहे हो तो टीवी में एडवर्टाइज आता रहता है। फिर पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग जो आपके घर में आते हैं, कभी कभी सेल्समैन आते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये होता है पर्सनल सेलिंग। फिर सेल्स प्रमोशन कि अगर आप किसी मॉल में जाते हो तो वहां पे देखते हो ना कई बार कि एक छोटा सा टेंट लगा के कुछ सेल्समैन बैठे रहते हैं और अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, वो होता है सेल्स प्रमोशन। फिर पब्लिक रिलेशन कि आपसे प्रोडक्ट का फीडबैक लो लेते हैं कुछ लोग, जैसे कि आजकल ऑनलाइन में देखा जाता है, आप कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ दिन बाद आपको फीडबैक का ऑप्शन आता है कि आप फीडबैक दो कि कैसा आपको लगा ये प्रोडक्ट, तो ये होता है पब्लिक रिलेशन। ये तो था प्रमोशन मिक्स।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखना चाहते हो जो है फिनेंशियल मैनेजमेंट और मैथमेटिक्स, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है, तो आप जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं लेक्चर्स कुछ इंग्लिश में भी दूं और इंग्लिश में वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो से क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, और आप सब कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल से जुड़े ज़रूर रहे। माना कि मैं सॉरी कहता हूँ कि वीडियोज़ अपलोड करने में मुझे टाइम लगे, क्योंकि कुछ फैमिली इशू के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो अब सब ठीक हो गया है। तो होप कि मैं वीडियोस अब रेगुलर डालूंगा। चलिए इसी के लिए थैंक यू, बाय एंड शुक्रिया।